अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए और मेरे किसी भी अपडेट्स को आप मिस मत कीजिए। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में, जहां मेरे इस वीडियो नए वीडियो में सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे लाइफ टाइम व्यूज़ जो है 11,000 के आगे चले गए हैं, यानी कि 11,000 व्यूज़ मिले हैं मुझे। इसके लिए मैं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, यूट्यूबर्स और मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहूँगा। हाँ, तो चलिए आज मैं अपना वीडियो चालू करता हूँ। तो आज मेरा कॉन्सेप्ट है गूगल अर्थ। हाँ जी, हम सभी गूगल मैप्स तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन एक और है जिसका नाम है गूगल अर्थ, जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और आपने पढ़ा ही होगा कि गूगल अर्थ का एक नया वेब वर्शन आया है, और पुराना जो था वो एक एप्लीकेशन था विंडोज़ पीसी के लिए, जो आप विंडोज़ में यूज़ कर सकते थे, वो आज भी हैं। और एक ऐप भी था जो एंड्रॉयड में चलता है, नया ऐप आया है, लेकिन पुराना ऐप कभी भी एंड्रॉयड ऐप हमारे देश में नहीं चला, इसका रीज़न ने मुझे नहीं मालूम, लेकिन नई गूगल अर्थ आप गूगल अर्थ मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखेंगे कि इस गूगल अर्थ के नए और पुराने के कुछ डिफरेंस आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, जो मेरे रीज़न से है, जितना मेरे ज्ञान है उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए अब पीसी की तरफ मुड़ते हैं। चलिए अब पहले आप अपने ब्राउज़र को ओपन कीजिए। आप ब्राउज़र में यहाँ पर आप टाइप कीजिए गूगल अर्थ, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहले मैं पुराने के बारे में बताऊंगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। गूगल अर्थ के एक पीसी ऐप है, वो मेरी नज़र से बहुत ही उपयोगी है और हमें एक्स्ट्रा फीचर्स देता है उन कारणों से। आप यहाँ पर एक्सेप्ट करके, अग्री करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने पर आपका डाउनलोड चालू हो जाएगा, और वो वैसे गूगल क्रोम इंस्टॉल होता है उसी तरह अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है ऑनलाइन से, आप डाउनलोड करके आपको ऑफलाइन। तो आगे चलते हैं, मैंने इंस्टॉल कर दी है। आप इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं आप तो जानते ही होंगे। स्टार्ट गूगल अर्थ पर हम जाते हैं। देखिए गूगल अर्थ का ये लोगो आ गया। पहले तो ये पृथ्वी घूमकर अमेरिका की तरफ चली जाती थी, लेकिन अभी लगता है गूगल अर्थ को पता चल गया है कि मैं भारत में रहता हूँ, इसलिए ये सीधे सीधे भारत की तरफ आ जाती है। कि मैं सभी देखिए, ये है गूगल की बेसिक मैपिंग। इस पर जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, आप यहाँ पर साइन इन भी कर सकते हैं। आपको एक साइन इन डायलॉग आएगा, लेकिन आपने पहले ही साइन इन कर दिया तो आपको डायरेक्ट आपके ईमेल साइन इन मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर जो प्लेसेस हैं, इस पर हम प्राइमरी डेटाबेस है, हम यहाँ पर गौर करते हैं। आप यहाँ पर माउस कर्सर देख सकते हैं, आप इसमें देश के बॉर्डर्स और उन सब को आप देख सकते हैं। उसे क्लिक करने पर आपके देश के बॉर्डर्स बॉर्डर्स दिख जाएंगे, ना क्लिक करने पर चले जाएंगे। और प्लेसेस, आपको शहर के नाम नाम वो सभी आपको दिख जाएंगी ये सब क्लिक करने के बाद। तो फोटोज़, मैंने बहुत सारे फोटोज़ बहुत पहले ही इस पर अपलोड किए हैं। आप जहाँ जहाँ कर्नाटक में आप अगर देखेंगे तो आपको फोटोज़ मिल जाएंगी। रोड्स पर क्लिक करने पर आपको जो लोकल रोड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे जैसे जूम इन करते जाएंगे आपको अपने शहर के रोड्स वो सब कुछ मिल जाएंगे। और 3D बिल्डिंग है, आप 3D बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। स्केचअप प्रो, आप अगर मेरी तरह कैड पढ़ चुके हैं तो आप सिंपल उस स्केचअप प्रो, जो टेक्निकल नहीं है लेकिन आपको कुछ ज्ञान तो होना चाहिए, उससे आप 3D डिज़ाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ये पहली बार ये किया है, अपने शहर के 3D डिज़ाइन आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए जो मेरी फेवरेट प्लेस है, यहाँ पर मैंने अपना 3D डायग्राम, 3D वाला डिज़ाइन करके यहाँ पर डाला है इस
माउंटेन पर ये जो है इसे मैंने डाला था। तो ये रही 3D बिल्डिंग्स के बारे में। आप 3D बिल्डिंग्स को आप देखना चाहते हैं कि तो आप बड़े बड़े शहर चले जाएं, जैसे कि बॉम्बे, सॉरी, जैसे कि आप मुंबई में जा सकते हैं। देखिए अभी आने ही वाला है मुंबई। हाँ, यहाँ पर है मुंबई। मुंबई पर आने पर आपको ऐसे ही 3D डिज़ाइंस मिल जाएंगे, जिस तरह मैंने किया है। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के आपको 3D डायग्राम्स आप देख रहे होंगे। आप यहाँ पर एक बिल्डिंग का नक्शा आप 3D में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बिल्डिंग दिख रहा होगा, 3D में आप देख सकते हैं। ये रहे 3D बिल्डिंग्स। आप उन पर क्लिक करने पर वो आ जाते हैं, उन पर क्लिक टिक करने पर वो चले जाते हैं। चलिए आगे जाते हैं मेरे कुछ फेवरेट्स के ऊपर। ओशियंस पर क्लिक करने पर आपको जो हमारे समुद्र के बारे में आपको, जैसे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, इन सब के बारे में आपको मिल जाएंगी। वेदर, ये फीचर जो है मेरा फेवरेट है। वेदर आप क्लिक करने पर आपको क्लाउड्स दिखेंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम अपने पृथ्वी के ऊपर जो क्लाउड्स हैं, जो हम टीवी में देखते हैं, वैसे ही हम लाइव जो हमारी वेदर फोरकास्ट है आप हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए अरेबियन सी पर बहुत क्लाउड हैं, और हमारे गांव के ऊपर भी कुछ कुछ है क्लाउड्स, आप देख सकते हैं। मेरा शहर तो यहाँ पर है, यहाँ पर है। आप इतना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप उस गांव के ऊपर